राजधानी दिल्ली में एक मंदिर के बाहर बने अवैध निर्माण को लेकर आम लोग और प्रशासन आमने सामने है। गुरुवार को पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके में बने शनि मंदिर के बाहर लगी अवैध रैलिंग को तोड़ने पहुंचे प्रशासन के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच इसे लेकर झड़प भी हो गई। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर तैनात हो गई। बता दें, जिस समय प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए पहुंचा, उस समय मंदिर में महिलाएं भजन गा रही थी। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए जय श्री नाम के नारे लगाए। तो वहीं पूर्व दिल्ली के डीएम ने कहा कि यहां सिर्फ रेलिंग हटाने आए थे और इसे हटाने का काम जारी है। प्रशासन के मुताबिक मंदिर नहीं तोड़ना है, मकसद सिर्फ रेलिंग हटाकर फुटपाथ क्लियर करना था। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर यहां वर्षों से है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि यहां अवैध निर्माण हुआ है। पुरुषों से लेकर महिला तक ने अवैध निर्माण कार्य को तोड़ने का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। बताते चलें कि दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंदिर के अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंडावली के साथ साथ 10 और मंदिर तोड़े जाने का आदेश एलजी और केंद्र सरकार ने दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। एलजी खुद को दिल्ली का राजा और शहंशाह समझने लगे हैं कि वो अब लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खेल रहे हैं। तो वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके लिए दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार ठहराया है। सचदेवा ने कहा, आतिशी की आदान है झूठ बोलना। पीडब्ल्यूडी मंडावली में कार्रवाई कर रही है और ये अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा है। ये हरकत किसी मस्जिद पे होती तो ये कभी नहीं बोलते। पीडब्ल्यूडी को रोक लेते, दोनों हमारे दो पार्षदों को चोट लगी। ऐसी किसी हरकत का विरोध करेंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन हमारे सांसद और दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया।